प्रवान, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि गाइस आप बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को स्वाति मैम क्या स्पेशल बताने आ गई। यस गाइस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि गाइस मैं आपको बताने आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो मिस्टेक कर दी तो शायद दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा कि मैम ने दो फोटो लगा रखे हैं और फोटो में पता नहीं है कौन है क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके मिनट्स लूंगी, बस मिनट्स, मतलब ऐसा समझ लो कि 1 से 2 मिनट या 4 मिनट तक मैक्सिमम, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है गाइस कि अभी जो वैकेंसी आई थी CHSL की, वो है 4500 प्लस, नॉट 1000, वो आई थी GD की, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, SSC CHSL की वैकेंसी है 4500, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि मैम फोटो के लिए हमें क्या करना है। देखिएगा, कोई ऐसे डाउट्स होते हैं जो अगर हम उनको बढ़ाते रहे तो वो हमेशा डाउट्स ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके डाउट खत्म करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाइस कुछ बच्चों के सवाल है, मैम फोटो हमारे जो फोटो है उस पे डेट डली हुई है। मैम कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम हमारे फोटो पे डेट नहीं डली हुई है, तो क्या मैं फॉर्म भर दूं? फॉर्म फिलिंग अभी भी हो रही है, चालू है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जाइए फॉर्म भर दीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने फॉर्म फिलिंग के लिए आप सोच रहे हैं और आपको फोटो के लिए कंफ्यूजन है कि मैम फोटो को कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रहा, डेट डली है नहीं डली है, कौन सा डालूं कहीं फॉर्म में कोई दिक्कत ना आ जाए, तो यहाँ पर अगर फोटो में यहाँ पर आपका नाम और डेट डली है तो फोटो कुछ ऐसा रहा होगा, नहीं डली होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पर कोई चीज नहीं होगी, सिंगल आपका फोटो रहा होगा, ठीक है? अब इसका सोल्यूशन क्या है कि मैम कौन सा सही है, मैम क्या ये सही है या ये गलत है, मैम ये सही है क्या ये गलत है? सल्यूशन ये है, मैं आपको बताती हूँ, सल्यूशन है ये कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो कहीं पर भी ये मेंशन्ड नहीं था, कहीं पर भी ये मेंशन्ड नहीं था, मतलब कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था कि आपको डेट डालनी है या नहीं डालनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि डेट डालना जरूरी है या फिर डेट डालनी है या नहीं डालनी है। तो अगर आपके फोटो पे डेट है तो चलेगा, आपके फोटो पे डेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 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 उससे पहले थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। चलते हैं फिर से पीछे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। मैं अगर आपको बोलूं कि आपके फोटो पे अगर डेट है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, अब मुद्दा आता है कि मैम डेट कौन से कौन सी होनी चाहिए, मैम कौन सा मंथ तक चलेगा, कौन सी ईयर की चलेगी, मैम ऐसी तो नहीं कि हम पुरानी फोटो डाल दे, डेट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेट कौन सी है ये फर्क पड़ता है। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहती हूं कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए दोनों ही सही है। अब डेट कौन सी है वो आपको देखना है कि डेट, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फोटो कितना पुराना होना चाहिए या फिर उसकी डेट क्या होनी चाहिए, तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। भाई सबसे पहले ध्यान देना भैया, फोटो ऐसे बच्चों वाला नहीं होना चाहिए, ये गलत है ना, फोटो ऐसे बच्चों वाला नहीं होना चाहिए कि इतना साल पुराना दे दिया कि बहुत टाइम से खिंचा हुआ फोटो है दे दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। अब फोटो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, मैम मेरे पापा की फोटो लग गई है मुझसे, उसने फॉर्म भरा था GD का, GD के फॉर्म में उसने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे पापा की फोटो मैंने गलती से लगा दी है तो क्या होगा? भैया फॉर्म को तुम चाहिए, पापा नहीं, तो यहाँ पर इस टाइप की फोटो को भी या फिर कोई भी किसी अलग पर्सन की फोटो को भी आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों वाली फोटो नहीं होनी चाहिए और पापा की फोटो नहीं लगानी भाई बिल्कुल भी, या फिर मम्मी की फोटो नहीं लगानी है, ठीक है? उसके बाद सोल्यूशन क्या है गाइस, सोल्यूशन ये है कि जो आपका फोटोग्राफ है ना, जो आपका फोटो है वो 3 मंथ्स तक का होना चाहिए, मतलब 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। कि अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं, सपोज करिए आज है 10 आपका दिसंबर, अगर आज भर रहे हैं फॉर्म तो वो मैक्सिमम हो सकता है आपका, अगर मैं बात करूं नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ठीक है, बस यहां तक का रखिए मैक्सिमम, अदरवाइज टेंशन ही खत्म करिए, एक नया फोटो खिंचवाइए जाइए और दिसंबर मंथ का ही फोटो जाके आपको अपलोड करना होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, डेट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बता दूं फोटोज के लिए कुछ और भी सोल्यूशन है भैया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, चश्मा वश्मा लगा के ज्यादा हीरोपंती में फोटो नहीं खिंचाना है, साथ साथ में टोपी
पीओपी लगा के फोटो नहीं खिंचाना है, सीधे सीधा फोटो होना चाहिए जिसमें आपके कान स्ट्रेट दिखाई दे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही बस मुझे आपको बताना था, आई होप कि आपको समझ में आया है आपको क्या करना है। फिर से बता देती हूँ एक बार, फोटो पे डेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फोटो पे डेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेट कौन सी है वो दिक्कत हो सकती है। अगर आपने नाम अपना गलत डाल दिया है तो भी आज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे मशीन से पूरा चेक होगा, नाम से कोई नहीं। बट यस, अगर मैनुअली कभी भी चेक होने लग जाता है, सिंगल अगर आपका सिलेक्शन होता है तो शायद दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अवॉइड करिए फोटो पे नाम डालना, ठीक है, क्योंकि वहां चेक होगा, आपको मैच किया जाएगा कि आप ही हो कि नहीं हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर डेट डली हुई है तो फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो पे चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, छोटे बच्चों वाला फोटो नहीं होना चाहिए, पापा मम्मी का, चाचा ताए का, किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, और कैप लगा हुआ फोटो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर तैयारी की बात आती है। तो गाइज मेरी क्लास चल रही होती है, ये बैच आपका 13 तारीख से शुरू होने वाला है, और ये जो है ये SSC CHSL का महापैक है। अगर आपने अभी तक जो आपको चाहिए, जो आपकी तैयारी है, जैसे आपकी तैयारी चल रही है, अगर आपको लगता है कि मैम ये वाली तैयारी तो मुझे करनी ही करनी है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैम 12वीं पास करने के बाद अगर मुझे नौकरी मिल रही है इससे बेस्ट मैम मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, तो गाइज यहाँ पे ध्यान देना, कल 8 बजे मेरी क्लास है और 11:45 पर मेरी क्लास है, और रात में मेरा एक सेशन है। कल संडे को भी मैं 3 क्लासेस लेने वाली हूँ आपकी, तो कल तो मेरे साथ आपको कनेक्टेड रहना ही है। जो नहीं जानते हैं मुझे, वैसे तो मुझे सभी जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं मैं पढ़ाती हूँ आपको इंग्लिश। तो ये दोनों बैचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितना पैसा होगा, हमें कुछ नहीं पता है, तो प्लीज एक बार स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप की तरफ और देखते हैं कि कहाँ पर हमें जाना है। आपको जाना है आपके प्यारे गूगल के पास। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे आपको ये दिखाएगा कि भाई आपको जाना है अड्डा 24/7 पे, फर्स्ट लाइन पे करना है क्लिक, पहुंचना है ऑल कोर्सेज में। यहाँ पर पहुंचेंगे आप तुरंत तो दिखेगा आपको SSC, और SSC में जाना है SSC CHSL। यहाँ पहुंचेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पर दिख रहा है SSC CHSL का 13 दिसंबर से नया बैच शुरू होने वाला है। 13 ही आपका दिसंबर से Tier 1 Tier 2 का कॉम्बो बैच शुरू होने वाला है, जो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था। अगर आपको सिर्फ टीयर 1 की बात करनी है गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर सिर्फ टीयर 1 के लिए बैच लेना है 13 तारीख से वो भी शुरू हो रहा है। आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया है, है कि नहीं, पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, फिर भी आपको लगता है कि मैम मुझे ना यहाँ पे टीयर 2 के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब टीयर 2 में भी आपका रीजनिंग, GS सब कुछ आएगा, ठीक है। पहले टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, अभी मैथ्स, कंप्यूटर इसमें सब कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि मैम मुझे टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी करनी है तो आपको संजीवनी बैच को लेना है। अगर आपको सिर्फ टीयर 1 की तैयारी करनी है तो आपको लेना है आरंभ बैच, जो कि 13 तारीख से शुरू होने वाला है। अगर आपको संजीवनी बैच लेना है, ये भी आपका 13 तारीख से शुरू होने वाला है। अगर आपको लेना है महापाक, है ना, याद रखिएगा, अगर आपको महापाक लेना है तो ये अगले 2 साल तक आपको SSC CHSL की तैयारी करवाएगा। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगले 2 साल तक आपको मिलेगा यहाँ पर मॉक टेस्ट, यहाँ पर ई बुक्स, यहाँ पर लाइव क्लासेस और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस। तो आपको देखना है आपको क्या करना है, कौन से वाला लेना है। अगर आप हर चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। SSC का महापैक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला अगर आप MTS भी टारगेट कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं मिलेगा, आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो गाइज हम चलते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैम एक ही बार में मैं मुद्दा खत्म कर देता हूँ, लेता हूँ संजीवनी बैच जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों है, तो यहाँ पर आपको कूपन कोड गाइज यूज करना है Y452। जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे ये बैच आपको पड़ जाएगा 1380 रुपए का, और 1 साल तक के लिए वैलिड है, है ना, 1 ईयर के लिए वैलिड होगा ये, 1 साल तक के लिए वैलिड है। आपने कूपन कोड लगाया है Y452 और ये पड़ा है आपको 1380 रुपए का। ऐसे ही आपको सारी जगह कूपन कोड लगाना है, भले ही आपको टीयर 1 लेना है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों लेने हैं, महापैक लेने हैं। महापैक में फायदा क्या है कि जितना प्राइस होगा उसी में आपको 2 साल तक के लिए वैलिडिटी मिल जाती है। तो आपको देखना है आपको क्या करना है, कूपन कोड Y452 ही है, आपको जैसा सही लगे वैसा आप करते जाइए। लेकिन याद रखिएगा कि अब छोटे छोटे जो आप मुझे कॉमेंट्स यहाँ पर करेंगे इस वीडियो के नीचे कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आए, वो भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो कॉमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत हो रही है, और प्लीज
कल 8 बजे क्लास में आना, बिल्कुल मत भूलना, और फिर 12:15 और फिर एक बार रात में। थैंक यू सो मच।